Hey guys, welcome back to the channel. और अगर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा हो तो माफ़ कर देना. First of all, let me start with the thing कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं. भाई मैं बात करने वाला हूँ अपने ड्यूक के क्रैश गार्ड के बारे में, जो कि आपने अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा आई बटन पे, उसको क्लिक कर देना, आपको पता चल जाएगा मैंने कहाँ से लगवाए हैं और इसकी कीमत क्या है. और उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी ऊपर की लाइट्स के ऊपर जो मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉल कराई हैं. फॉग लाइट समझ लीजिए इसको, या फिर समझ लीजिए एक्स्ट्रा लाइट्स, एलईडी लाइट्स. इससे पहले मुझे इन लाइट्स की ज़रूरत नहीं लग रही थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्यूक 390 की जो स्टॉक लाइट्स हैं वो सफिशेंट है. सफिशेंट इन द सेंस भाई कि भाई अगर हम इसको लो बीम पे चला रहे हैं, हाई बीम पे चला रहे हैं तो प्रॉपरली वर्क कर रही है, ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब से मैंने ये एक्स्ट्रा लाइट्स इंस्टॉल करी हैं उसके बाद से मुझे महसूस हुआ है कि इनकी कितनी ज़रूरत है. नाउ दीज आर द लाइट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मैंने कि इंस्टॉल करवाई हैं करोल बाग से. और इसका रिव्यू देना है आपको कि कैसी है लाइट्स ये. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लाइट्स रात में कैसी लग रही हैं. मैंने ड्यूक को कल रात को लो बीम पे चलाया है, हाई बीम पे चलाया है, उसके बाद मैंने इसको स्पेशली चलाया है इस एलईडी लाइट्स को ऑन करके. और इसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको आखिरी तक देखनी पड़ेगी, वीडियो कैसे करते हैं इंस्टॉल तो आखिरी तक देख के जाना. फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स सी कि रोशनी कितनी स्प्रेड करती है. और सबसे बड़ी बात, कॉर्नरिंग करते हुए, हिल पे चलते हुए या फिर लेफ्ट या राइट टर्न लेना तो हमें क्या इशू आता है, वो ये इशू आता है भाई कि जो भी लाइट हमारी स्टॉक लाइट दी हुई है ना बाइक पे, वो एक ही साइड जाती है. कहाँ जाती है? स्ट्रेट जाती है. और जब से इसको लगाया है लेफ़्ट साइड राइट साइड प्रॉपरली कवर्ड हो रही है, तो मुझे जब भी लेफ़्ट और राइट टर्न लेना होता है तो कोई इशू नहीं आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि कैसे स्प्रेड हो रही है. सो गाइस हियर यू कैन सी कि अभी मेरी लाइट है लो बीम पे. लेट मी जस्ट टेक अ स्टॉप हियर. मेरी लाइट है यहाँ पर लो बीम पे, और जब मैं इसको हाई बीम पे करता हूँ तो देन आई गेट लाइक दिस, जो कि मेरे को ऐसा लगता था कि सफिशेंट है. लेकिन जब से मैंने ये लगवाया है ना, अब देखिए विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेफ़्ट और राइट की सबसे ज़्यादा. बिकॉज इससे पहले जब लाइट नहीं थी तो ऐसा था कुछ माहौल जो कि मेरे को सिर्फ स्ट्रेट दिख रहा था. अब जो ये एरिया कवर कर रही है ना लाइट, वो बहुत ज़्यादा कर रही है और आगे का तो कर ही रही है. लुक एट दिस, इससे मुझे विजिबिलिटी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है. आई नो ड्यूक में ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता था, लेकिन जब से इस लाइट को लगाया मैंने, तब से विजिबिलिटी का इफेक्ट डबल ट्रिपल हो गया है. इवन दो लाइटनिंग ऐसी कंडीशन हो तो हमें फॉग लैम्प्स की नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन जब वी आर राइडिंग ऑन एक्सट्रीम कंडीशंस तो ये जो फॉग लाइट्स हैं ये बहुत काम आते हैं. बिकॉज लाइक वी आर राइडिंग इन माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में जो ये वाली हेडलाइट दी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है. और स्ट्रेट जाने में क्या इशू पड़ता है भाई, स्ट्रेट जाने पे ये जब ब्लाइंड स्पॉट्स आते हैं ना तो लेफ़्ट और राइट का नहीं पता चलता कि क्या कुछ है आगे, क्या कुछ आ रहा है क्या कुछ नहीं आ रहा है. तो वहाँ पर ये जो स्प्रेड होने वाली लाइट्स हैं ये बहुत काम आती है. ऑल दो थोड़ा सा प्रोजेक्शन मैं आपको राय दूंगा इसका, नीचे की साइड रखिए, बिकॉज जो अगर सामने से कोई आदमी आ रहा है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होएगी, बिकॉज बहुत तेज लाइट्स हैं और फ्रंट से जो आ रहा है, सामने से जो आ रहा है, उसको सीधा आँखों में रोशनी पड़ती है और आँखों में रोशनी पड़ने की वजह से वो भी आपको नहीं देख पाएगा. इसलिए जब भी इसकी सेटिंग करवाएं आप, जब भी आप इसको लगवा रहे हैं, तो एक सजेशन है मेरा कि इसको थोड़ा सा नीचे की साइड रखिए, रैदर फेसिंग इट टूवर्ड्स द फ्रंट मैन साइज. मतलब अगर सामने से कोई आदमी आ रहा है तो इसको इशू होगा ही होगा. और इसको लगवाने का तरीका बहुत आसान है. मैंने थैंकफुली अभी तक मेरी बाइक में कोई भी वायर कट नहीं हुई है. ड्यूक 390 के अंदर प्रॉपर सॉकेट्स या फिर आप कह सकते हो कनेक्शन दिए गए हैं. मैंने जिस बंदे से लगवाई है राइट, ये उन्होंने प्रॉपर तरीके से, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लिया लेकिन इसको प्रॉपरली तरीके से लगाया है और बिल्कुल भी एक भी तार कट नहीं है. नहीं तो नॉर्मली जब भी हम लगवाने जाते हैं ये ऐसी लाइट्स, तो होता क्या है कि जो भी लाइट को कनेक्ट करता है डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर जो हमारा बटन दिया होता है लाइट का
उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने जैसे प्लग करा है, एक छोटी सी वायर दी हुई थी इसके अंदर, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। और जब मुझे ऑन करना हो, जब तक इग्निशन ऑन ना हो, सबसे बड़ी बात, लोग पूछते हैं कि भाई अगर इग्निशन ऑन नहीं कर रखा तो लाइट ऑन होगी कि नहीं होगी। भाई जब तक आपने बाइक को स्टार्ट नहीं करा ना, मतलब ऑन नहीं कर दिया, तब तक ये लाइट्स ऑन नहीं होगी। और ऑन करने के बाद भी एक बटन दे रखा है ये वाला, अगर आप देख पा रहे हो तो, इस बटन को ऑन होना ज़रूरी है। अगर ये बटन ऑफ है, जैसे कि आप देखिए ये वाला, तो लाइट्स अपने आप ऑफ रहेंगी, ऑन है तो ऑन रहेंगी। इसीलिए सेफ़ लगा मुझे और मैंने लगवा लिया है। हाँ, वाटर प्रूफिंग का मुझे नहीं पता है, ये मेरे से भूल चूक हो गई, लेकिन वो भी पता चल जाएगा। एक लॉन्ग राइड आने वाली है, आई होप सो उसके अंदर मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दे पाऊंगा कि भाई ये लाइट सही काम करी कि नहीं। अभी तक के लिए तो मुझे सही लग रही है। एज यू गाइस हैव सीन के लाइट्स कैसी लग रही हैं रात में, और मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि जिस बंदे ने करोल बाग में मेरी लाइट्स इंस्टॉल करी थी, उसने क्या करा है। उसने बहुत तरीके से एक भी तार मेरी बाइक के अंदर की नहीं काटी है। मुझे बस यही डर लग रहा था कि कोई भी हेडलाइट से कनेक्ट कर दे या फिर कहीं और से कनेक्शन कर दे वो, तो कोई ना कोई उसको वायर काटनी पड़ेगी, लेकिन थैंकफुली कोई वायर नहीं काटी है उसने। और इसको लाइट्स को लगाने के लिए मुझे जुगाड़ लगाना पड़ा, बिकॉज जाना मोटर्स के क्रैश गार्ड आए हैं, उसके साथ एक क्लैंप लेना पड़ता जो कि था 1500 रुपये का, और मैं सिर्फ लाइट्स लगाने के लिए वो वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने क्या करा है दिखाता हूँ। नाउ दीज आर द जाना क्रैश गार्ड्स जो कि यहाँ पर हैं, और यहाँ पर मैंने लगाई है एक टेप। ये टेप के बाद एक क्लैंप लगा लिया है यहाँ पर। एज यू कैन सी ये यू शेप में है, एक इसके ऊपर एक नट लगा रखा है। और दीज आर द लाइट्स। ये लाइट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये की पड़ी हैं, और इसका कनेक्शन बिल्कुल तरीके से हुआ पड़ा है। यहाँ से देख लीजिए, एक तार तो ये जा रही है, और दिस इज़ द सेकेंड वायर, और यहाँ से ये वायर ये अंदर से होते हुए इस साइड से निकल रही है। और ये वाइट वायर जो है आपको दिख रही होगी, दिस वाइट वायर, दिस इज़ फॉर्मली कनेक्टेड विद दिस। तो भाई दीज आर द लाइट्स जो कि मैंने इस पर इंस्टॉल करवाई हैं। ये मुझे पड़ी हैं 1100 रुपये की प्लस 250 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस। मेरे ख्याल से शायद मैं 100-200 रुपये शायद महंगी लेके आया हूँ या फिर सस्ती लेके आया हूँ, वो मुझे नहीं पता है, बिकॉज बहुत 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 गर्मी थी करोल बाग में और मैं दूसरी शॉप पे ट्राई नहीं करना चाहता था। तो इट इज़ प्रिटी गुड, और रात को चलाना बहुत आसान हो गया। मैं भी आप लोगों को यही राय दूंगा कि भाई अगर आपके पास ड्यूक 390 या फिर कोई भी है, तो एक बारी कोई ना कोई फॉग लाइट्स या एक्स्ट्रा लाइट्स अपनी बाइक पर ज़रूर लगाइए, बिकॉज़ जो विजिबिलिटी इशू है वो सबके साथ है, मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है। और ये लाइट्स लगाने के बाद जो ये इशू है विजिबिलिटी वाला, ये ख़त्म हो जाता है। और ये समझ लीजिए लेफ़्ट और राइट के जो जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ना, वो आपके ऑलमोस्ट कवर्ड हो जाएंगे। जैसे हम दिन में देख सकते हैं, वैसे ही रात को देख पाएंगे। और रहा सवाल जाना मोटर्स के क्रैश गार्ड्स का, तो भाई ये जो जब से क्रैश गार्ड लगाए हैं, इसकी लुक्स तो बढ़ी गई है, अच्छी लगी रही है बाइक, थोड़ी सी और ब्रॉड हो गई है, बिकॉज जो नॉर्मल क्रैश गार्ड थे वो इतने पतले पतले थे, और ये थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं इस पर। और जो सबसे मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी है इसके अंदर, वो ये है भाई कि सेफ्टी जो है ना, वो बहुत इंक्रीज़ हो गई है। बिकॉज़ मेरे जो पहले वाले क्रैश गार्ड थे, वो दो बारी नट लूज़ हो चुका है, और मतलब ये समझ लो मैं दोबारा नहीं उसको झेल सकता कि दोबारा वो निकले, और कोई भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो उसके अंदर बड़ा खतरा रहता है। लेकिन ये क्रैश गार्ड्स आर वेरी सेफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूँ जैन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।